हम सब अपने जिंदगी में कभी ना कभी मिस्टेक किए हैं, है ना? यस यस माय डियर फ्रेंड्स, टुडे आई वाज रीडिंग ए बुक एंड इन दैट बुक आई गॉट ए क्वीन लाइन। यस सच ए लाइन आई रेड दैट फॉर मोर देन 10 टाइम्स। एंड वो लाइन ये बोलता है कि मिस्टेक इज बेटर देन नो टेक। लेट मी रिपीट, मिस्टेक इज बेटर देन नो टेक। मतलब मिस्टेक अच्छा है, अगर आप कुछ काम नहीं करते हैं उससे तो अच्छा है। चलो एक एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल लेके उसको स्टडी करते हैं। एग्जाम्पल ये कहता है कि मेरे बारे में डिस्कस करते हैं। मैं सपोज ऑनलाइन कोर्स में इन्वॉल्व रहा हूँ, कुछ दिन से मैं उसे सीख रहा हूँ। कभी कभी मैं वीडियो जो बनाता हूँ ना, कुछ मिस्टेक हो जाता है, क्योंकि मुझे जो बोलना था वो मैं बोल नहीं पाता हूँ। मुझे जो जिस तरह से उसको प्रेजेंट करना था उस तरह से मैं प्रेजेंट नहीं कर पाता हूँ। दैट्स अ मिस्टेक, क्योंकि मुझे जो करना चाहिए था उस हिसाब से मैंने नहीं कर पाया। द वे आई शुड प्रेजेंट आई यू नो आई डिड नॉट डू इट। तो मुझे क्या लगता है, अरे यार नहीं, अच्छा नहीं हो रहा है, आई डोंट फील गुड, चलो नहीं करूंगा वीडियो। जब मैं परफेक्ट बनूंगा, जब मैं ढंग से करना सीख जाऊंगा तभी मैं बनाऊंगा। देन क्या हुआ, बंद हो गया वीडियो। वीडियो बंद होने से क्या हो गया, मेरा जो रीच था लोगों के बीच, मेरा जो वैल्यू एडिशन था वो बंद हो गया। तो दोस्तों इससे ये अच्छा है कि मैं मिस्टेक करूं, ओके इट शुड बी मिनिमम, बट वीडियो बनाता रहूं। तो क्या होता है, परफेक्शन धीरे धीरे से काम करने से परफेक्शन आता है। तो अगर आप सोचेंगे मैं परफेक्ट हो जाऊं उसके बाद काम करूं, तो शायद ये मैं नहीं, बहुत बड़े बड़े लोग भी कहते हैं कि प्रैक्टिस मैक्सिमम परफेक्ट। यस गुड प्रैक्टिस मैक्सिमम परफेक्ट। तो प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो परफेक्ट नहीं बनेंगे, परफेक्ट नहीं बनेंगे तो वीडियो नहीं बनेगा, राइट? एग्जैक्टली हम सबके साथ में यही होते हैं, सबके साथ ऑलमोस्ट। जो भी महान लोग हैं, जो भी सक्सेसफुल लोग हैं, अगर उनके लाइफ को आप स्टडी करेंगे तो उन्होंने भी यही काम किया है। और तो जो भी काम कर रहे हैं पहले वो एक कदम से शुरू किए, अच्छा वो सक्सेसफुल नहीं हुए, फिर भी उन्होंने सेकेंड टाइम ट्राई किया, थर्ड टाइम ट्राई किया, फोर्थ टाइम, फिफ्थ टाइम, ऐसे चलते चलते उन्होंने जब 100 टाइम उसके कर लिया ना, दे बिकम मास्टर्स। एंड यू नो उसके बाद तो जो भी काम करेंगे वो उसका रिजल्ट बहुत ही अलग ही होगा। तो दोस्त हम लोग क्या सोचते हैं ना, मिस्टेक हो गया तो लोग क्या कहेंगे, मैंने सबको बोल दिया मैं उसको बनाऊंगा, वीडियो नहीं बना नहीं पाया तो लोग देखेंगे तो लोग हंसेंगे मुझ पर, है ना दोस्त? कोई स्टूडेंट क्या सोचता है, स्टूडेंट सोचते हैं अगर यार मैं मैथ्स का ये क्वेश्चन है प्रैक्टिस करूँ, अगर मिस्टेक हो गया तो टीचर गाली देंगे, पेरेंट्स बोलेंगे नहीं तुझे तो नहीं, कुछ दिमाग में कुछ है ही नहीं तेरा भेजा। दोस्त ऐसे क्या होता है ना, इसी सोच की वजह से, ड्यू टू दिस थॉट वी डोंट टेक एक्शन। हम जब एक्शन नहीं लेते हैं तो हम परफेक्ट कैसे बनेंगे? परफेक्ट बनने के लिए हर रोज हमें कुछ ना कुछ एक्शन लेना पड़ेगा। पर हम ये डरते हैं कि मेरा मिस्टेक हो जाएगा, जैसे कि मैं अभी वीडियो बना रहा हूँ, अफकोर्स आई एम नॉट परफेक्ट, मैं पूरा ढंग से बना नहीं पा रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास जो स्क्रिप्ट है उसी हिसाब से मैं 100 to 100 नहीं बना पा रहा हूँ। पर एक चीज तो है, मेरा जो सोच है, मेरा जो थॉट है, दैट आई कैन डिलीवर टू यू, दैट आई कैन ट्रांसपोर्ट टू यू, उसे सोच को मैं आपके पास लेके आ रहा हूँ। क्योंकि मेरे लाइफ में जो जो मेरा लर्निंग है, अगर मैं किसी और को शेयर नहीं करूंगा तो व्हाट्स द यूज, वैल्यू क्या है उसका? तो दोस्तों लेट्स रिपीट वन मोर टाइम, दैट इज व्हाट इज दैट, मिस्टेक इज बेटर देन नो टेक। हाँ गलती हो सकता है, पर उसे डरिए मत, काम कीजिए, उसे पहले थोड़ा प्लानिंग कीजिए, उसे पहले डिस्कस किसी और के साथ कि जिसने काम किया हो कि क्या क्या मिस्टेक उन्होंने उनके लाइफ में किया है, देन यू कैन मिनिमाइज द मिस्टेक। एंड कंसिस्टेंसी, हर रोज वही काम को करेंगे ना, देन यू नो यू विल सी द मैजिक। तो दोस्तों थैंक यू फॉर टुडे, एंड इफ यू वॉन्ट टू लर्न द स्टेप्स, बिकॉज आपकी जिंदगी में कभी ना कभी कहीं ना कहीं आपने मिस्टेक किया होगा, मे बी इन योर माइंड सेट, मे बी इन योर वर्क कैपेसिटी, मे बी इन स्टडीज, मे बी इन योर जॉब, मे बी इन योर बिहेवियर पैटर्न। इफ यू वॉन्ट टू लर्न द साइंस, लर्न द आर्ट एंड लर्न द स्किल हाउ यू कैन टेक बेटर डिसीजंस, हाउ यू कैन मिनिमाइज योर मिस्टेक्स, एंड प्लीज कनेक्ट विथ मी, द लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन, सो दैट आई कैन हेल्प यू, वी बोथ कैन डिस्कस एंड वी कैन क्रिएट ए गुड सोसाइटी, वी कैन क्रिएट, we are going to be happy and prosperous. Thank you. Thank you very much.